स्थानीय नेहरू घाट स्थित सुबह लगने वाली सब्जी बाजार में पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी की पहल पर पालिका प्रशासन द्वारा नीचे जमीन में बैठकर सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को राहत देने के लिए नए शेड युक्त चबूतरा व टूटे फूटे शेड व चबूतरा का रिपेयरिंग व रंग रोगन का काम कराया जा रहा है। साथ ही वर्षों से सब्जी विक्रेताओं व खरीदी करने वाले ग्राहकों की मांग पर सार्वजनिक प्रसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में दो नग बड़ा शेड युक्त चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है। वहीं जर्जर हो चुके चबूतरे व शेड को रिपेयरिंग कराया जा रहा है। उक्त कार्य पालिका प्रशासन द्वारा मरम्मत संधारण के तहत 1.5 लाख रुपए की बड़ी लागत राशि से यह कराया जा रहा है। वर्तमान में इस सब्जी बाजार में तेजी से काम चल रहा है, जिससे सब्जी विक्रेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और यहां जमीन पर बैठकर सब्जी बेचने वाले सब्जी विक्रेताओं को राहत मिलेगी। अक्सर यह देखा जाता है कि इस सब्जी बाजार में कुछ ऐसे जगह छूटी थी जहां सब्जी विक्रेता शेड व चबूतरे के अभाव में जमीन में बैठकर सब्जी बेचते थे, जिससे उन्हें धूप, बारिश, पानी और आवारा पशुओं के झड़प का सामना करना पड़ता था। अब शेड युक्त चबूतरे के निर्माण होने से इस जगह पर बैठने वाले सब्जी विक्रेता काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें बारिश की पानी व गर्मी की धूप से निदान मिलेगा और उन्हें सहूलियत मिलेगी। इस नेक कार्य के लिए सब्जी विक्रेताओं ने शासन प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं सुबह लगने वाली इस बड़ी सब्जी बाजार में सार्वजनिक प्रसाधन की व्यवस्था भी कराई जा रही है, जिससे यहां पर प्रसाधन को लेकर सब्जी विक्रेता व खरीदी करने वाले ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मरम्मत संधारण निधि के तहत 2 शेडयुक्त चबूतरे का निर्माण व रिपेयरिंग काम जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण पूरा होने से नीचे बैठकर सब्जी बेचने वाले सब्जी विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। पालिका अध्यक्ष धनराज मंध्यानी ने कहा कि जनता ने जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें चुना है, उसके लिए वे कर्तव्यबद्ध हैं। इस बाजार के बदहाली पर किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने पहले दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऐसे में वर्तमान पालिका की टीम ने इस ओर पहल कर सब्जी विक्रेताओं व खरीदी करने आने वाले ग्राहकों के लिए सोचकर यह नेक प्रयास किया है, जिससे बहुत जल्द सब्जी विक्रेताओं को बारिश, धूप आदि से राहत मिलेगा। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर सब्जी खरीदने वाले ललित पांडे जी यहाँ पर है। जी पांडे जी, बताइए जो ये शेड निर्माण हो रहा है चबूतरा का हो रहा है, नगर पालिका द्वारा जो ये शेड बनाया जा रहा है, जी तो सब्जी वालों को फायदा होगा। हाँ, पानी से बचेगा, धूप से बचेगा। तो पहले वो नीचे बैठ रही थी जी, उनको तकलीफ हो रहा था जी, इसलिए नगर पालिका द्वारा जो बनाया जा रहा है वो कार्य ठीक किया जा रहा है जी। हमारे साथ यहाँ पे गायत्री पटेल एक सब्जी बेचने वाली महिला है। जी बताइए, कब से बैठ रहे हो, राहत मिलेगी नहीं मिलेगी इससे? बहुत दिन के बैठे, पुराना पहले नीचे में बैठा गए ना चबूतरा में, अब आ गए ना। तो चबूतरा बनने से राहत मिली नहीं मिली आप मतलब? पानी, धूप और साथ से सब में बैठ गया मन एक लिए पालिका प्रशासन ने धन्यवाद देना चाहूंगी। नहीं धन्यवाद के साथ यहाँ सब्जी बेचने वाली एक महिला अनोपी सोनकर है, बताइए इस शेड बनने से आप लोगों को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? पहले कैसे बैठते थे बताइए, सब चीज पहले यहीं बैठते थे? हाँ। तो धूप वगैरह आती थी? धूप आती थी ना भैया। और पानी वगैरह वैसे? पानी गिरे तब बैठा नहीं थे, कहाँ जाते। तो अभी इसके बनने से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी आप लोगों को? इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, चलिए। हमारे साथ पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी जी यहाँ पर हैं। जी मध्यानी जी, बताइए जो सब्जी मंडी में एक पूर्ण जीवन आप देने जा रहे हैं उस सब्जी मंडी को, और नया निर्माण भी वहाँ पर हो रहा है चबूतरे का, इस संबंध में जानकारी बताइए। देखिए, जनता ने हमें अवसर दिया है, इस नगर के जिम्मेदारी सौंपी है जी। हमारा दायित्व है कि हम अपनी टीम के साथ इस नगर का जितना भी विकास हो सके हमें अपने इस कार्यकाल में करना है जी। सब्जी मंडी लगातार विगत कई वर्षों से, मैं स्वयं घर की सब्जी खरीदने जाता हूँ जी, तो मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ कि उसकी जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है। वहाँ किसी भी प्रकार का अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, चाहे वो जीर्णोद्धार की बात हो या कुछ नया वहाँ निर्माण की जो आवश्यकता थी जी, किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया था जी। मैंने अपने कार्यकाल में प्रयास किया है
कि वहाँ जिन लोगों के पास बैठने के लिए चबूतरे नहीं है उनको नया चबूतरा बनाकर शेड लगा कर दूं जी, और जो पुराने चबूतरे हैं जी, और जो लगभग बहुत सारे टूट गए हैं जी, उसका जीर्णोद्धार कर जी, जो वहाँ पे टीन खराब हो चुके हैं जी, जी, उसे पेंट वेंट के माध्यम से एक अच्छा स्वरूप देकर वहाँ जो लोग भी छोटे छोटे व्यवसायी हमारे सब्जी विक्रेता उन्हें एक अच्छा बैठने के लिए पानी से बचने के लिए शेड इस टाइप की व्यवस्था और साथ ही साथ यूरिनल की व्यवस्था भी वहाँ हम करने जा रहे हैं ताकि विक्रेताओं के साथ साथ वहाँ जो लोग भी सब्जी खरीदने जा रहे हैं उनके लिए वहाँ उस टाइप के प्रसाधन की व्यवस्था हो। और माननीय विधायक जी का भी ध्यान इस ओर था, उन्होंने भी मुझे इस बात का निर्देश दिया कि ऐसे जो छोटे छोटे व्यवसायियों से जुड़े हुए काम हैं इसको आप प्राथमिकता से साथ करें ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम दैनिक सब्जी बाजार का जीर्णोद्धार और कुछ नया काम वहां करने जा रहे हैं।